हे गाइस, बात करने वाले हैं यहाँ पर आंचल शाहू के बारे में। आंचल शाहू की बात करें तो ये आपको देखने को मिल रही है परिणीति शो में परी के कैरेक्टर से, और यहाँ पर उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वैसे तो बात करें तो उनको घर घर में पहचान मिली है बैरिस्टर बाबू शो के अंदर, जब वो बॉन्दिता के कैरेक्टर में नज़र आई हैं लीप आने के बाद, जहाँ पर एडल्ट एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें कास्ट किया गया है, तो यहाँ से उनको घर घर में पहचान मिली। इसके बाद परिणीति शो के अंदर उनकी एंट्री होती है एज अ परी, और यहाँ पर तो क्या ही कहना, काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब देखा जाए तो लॉन्ग रनिंग शो रहा है जहाँ पर वो देखने को मिली है शो के अंदर, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ऑडियंस का मिला है इस शो को और यहाँ पर इन तीनों की जोड़ी को। लव ट्रायंगल बेस्ड शो रहा है ये, और लव ट्रायंगल बेस्ड शो वैसे लॉन्ग रनिंग तो रहते ही हैं, लेकिन इस तरीके से अच्छे खासी तरीके से टीआरपी को यहाँ पर मेकर्स मेंटेन कर पाएँ, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। और वाकई में इस शो की बात करें तो कुछ वैसे ही रिस्पॉन्स ऑडियंस का मिला है जैसा कि मेकर्स ने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है। यहाँ पर बात करें अगर हम आंचल साहू के बारे में, तो उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं, मतलब ऐसे में जो बातें चल रही हैं प्रविष्ट मिश्रा के साथ लोग उन्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आंचल साहू के जो फैंस रहे हैं बॉन्दिता के कैरेक्टर से, वो प्रविष्ट और आंचल की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो ऐसे में ये जोड़ी साथ में कब देखने को मिल पाएगी, किस तरीके से जोड़ी साथ में नज़र आ सकती है, इस बात को लेकर लगातार खबरें सामने आती रहती हैं। तो बता दें आपको, इनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बातें तो ज़रूर सामने आ रही हैं, लेकिन क्या सच में ये जोड़ी आपको देखने को मिल पाएगी, क्या दोनों म्यूजिक एल्बम के जरिए देखने को मिल सकते हैं, इस तरह से बातें चल रही हैं, लेकिन क्लियर कुछ नहीं है। हालांकि ये जोड़ी नजर आ सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रविष्ट मिश्रा के बारे में, तो वो फिलहाल उनका शो अभी ऑफ एयर गया है, ये है चाहते हैं जहां से उनकी एग्जिट हुई है। अभी अगर देखा जाए तो करंटली वो किसी भी प्रोजेक्ट में बिजी नहीं है, और ऐसे में उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में आंचल साहू उनके अपोजिट नजर आ सकती हैं एज अ म्यूजिक एल्बम के थ्रू। तो कमेंट करके एक्साइटमेंट बताना इन दोनों को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, सिर्फ खबरें सामने आ रही हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कराना ना भूलना, एंड थैंक यू।